जंगल में अचानक से तेज बरसात शुरू हो गई। बरसात बहुत जोरों से थी। वहीं पर टुन्नी चिड़िया के दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, जो कि जंगल में भोजन लेने गई हुई थी। किंतु तेज बरसात के कारण टुन्नी चिड़िया आ ही नहीं पा रही थी। वो जंगल में एक पेड़ के टहने पर बैठी हुई बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। वहीं बच्चे आपस में बात कर रहे थे, गोलू भैया, मम्मा अभी तक नहीं आई, ना जाने इस बरसात में वो बेचारी कहाँ होगी, हम दोनों के लिए भोजन जो लेने गई। हाँ बहना, बात तो सही है, चलो हम अंदर बैठते हैं जब तक माँ वापस आए। वहीं तेज बरसात में टुन्नी चिड़िया जहाँ पेड़ पर बैठी थी, वहीं उड़ते हुए उसके पास कालू कौवा पहुँचा। कालू कौवे ने देखा टुन्नी इतनी बरसात में जंगल के बीच अकेली बैठी है। वो उसके पास गया और बोला, टुन्नी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊँ कालू भाई, भोजन की तलाश में आई थी। भोजन तो मिल गया, किंतु बरसात बहुत हो रही है। हाँ बात तो सही है, तुम्हारे बच्चे तो घर अकेले होंगे ना? हाँ भाई, मेरे दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, न जाने बेचारे कैसे होंगे। टुन्नी चिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हें अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि जंगल में शिकारी पक्षी जो आ गए, तुम्हें पता है ना? टुन्नी कहती है, हाँ कालू भाई, अभी तो परसों की ही बात है, मैं जब जंगल में भोजन की तलाश में जा रही थी तो मैंने देखा शिकारी पक्षी यानी कि चील ना बुलबुल के बच्चों को खा रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, वो मुझसे गुस्से में देखने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से बुलबुल के दो बच्चों को बचाया, एक को तो वो खा ही गई, और मुझसे कह रही थी कि इस बात का बदला वो मुझसे जल्द ही लेगी। तभी तो टुन्नी भाई, तुम जल्दी से घर पहुंचो, अन्यथा तुम्हारे अकेले बच्चों को देखकर कहीं शिकारी पक्षी ने उन पर हमला ना कर दिया हो। टुन्नी बड़ा घबरा जाती और वो घर घबराहट में ही भरी बरसात में अपने घर के लिए निकलती। वहीं उसे रास्ते में शिकारी पक्षी मिलते। शिकारी पक्षी उसे पूछते, कहाँ जा रही हो? हमारे इलाके में आके हमसे नज़र चुरा के कहाँ चली हो तुम चिड़िया रानी? चिड़िया, टुन्नी चिड़िया बहुत समझदार और निडर थी। वो कभी भी परेशानी में हड़बड़ाती नहीं थी, बल्कि बड़े दिमाग से काम लेती थी। उसने शिकारी पक्षी के पास जाकर बोली, भाई वो बरसात हो रही है ना, तो मैं घर के लिए निकल रही हूँ। मेरा पति बड़ा गुस्से वाला है, मुझे देर देख पाता तो वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर पहुँच रही हूँ। तुम जल्दी घर कैसे जा सकती हो? हम तो तुम्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे। तब टुन्नी चिड़िया बोलती है, तुम अपना पेट कैसे भर सकते हो? मेरी तो पहले से ही जान का रिजर्वेशन हो रखा है, मुझे तो आज मेरा पति खा जाएगा। पति? भला किसी का पति भी अपनी पत्नी को खाता है? नहीं शिकारी भाई, तुम नहीं जानते, मेरा पति एक चील है और बड़ा खड़ूस है, अगर मैं देर से पहुंची तो वो मुझे खा जाएगा। कल ही उसने मेरे बच्चों को खाया, आज वो मुझे खा जाएगा, तुम नहीं समझोगे। चील बोली, अच्छा ऐसा है, तो हमें अपने पति के पास ले चलो, पहले हम उसी का काम तमाम करते हैं और फिर तुम्हें
रखा, इस बरसात का मजा लेते हैं। ऐसा बोलकर टुन्नी चिड़िया के पीछे पीछे वो चील और कुछ शिकारी पक्षी आने लगे। वो उसी गुफा के पास ले गई जहाँ वो शिकारी चील रहती। शिकारी चील के पास जाकर टुन्नी चिड़िया बोलती है, पहले मैं अंदर जाऊंगी, नहीं तो मेरे पति को मुझ पर शक हो जाएगा और वो तुम्हें मार डालेगा। ऐसा बोलकर टुन्नी अंदर जाती और वो चील से बोलती, अच्छा तो तुम यहाँ बैठे हो। चील बोले, अच्छा हुआ, मुझे भूख भी है और शिकारी भी खुद ही मेरे पास आ गया। अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूँगा। तब टुन्नी बोलती है, कल तुमने मेरे बच्चों को खाया। तब चील कहता है, उन पर मेरा अधिकार था इसलिए मैंने उन्हें खा लिया। आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा और अपना पेट भर लूंगा। ये सब शिकारी पक्षी सुन रहे थे। जैसे ही चील ने टुन्नी चिड़िया पर हमला किया, वो तुरंत शिकारी पक्षी आकर चील के साथ लड़ने लगते हैं। उनकी आपस में खूब लड़ाई होती है, दोनों आपस में घायल हो जाते हैं। वो इतने घायल हो जाते हैं कि उनके पंखों से भी खून आने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। तब टुन्नी चिड़िया कहती है, देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैंने तुम्हें आपस में लड़वा कर दोनों का ही खात्मा करा दिया। अब हम जंगल के सभी पक्षी आराम से रहेंगे। तुम दोनों शिकारी पक्षियों ने हमारा जीना दुर्भर कर रखा था। ऐसा सुनकर एक चील जो होश में था, उसने बोला, टुन्नी तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। ऐसा कहकर चील वहीं ख़त्म हो गया। याद आया, अरे बाप रे, मुझे तो इन दोनों की लड़ाई में याद ही नहीं रहा, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना था। वो तुरंत उड़कर अपने बच्चों के पास जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके घोंसले में तो पानी भरा हुआ है और उसके बच्चे कहीं पानी में ना डूब गए हों। वो अंदर देख ही रही थी तभी उसके पास कालू कौवा आता है और कहता है, अरे टुन्नी तुमने बड़ी देर लगा दी, तुम्हारे घोंसले में पानी भर गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को अपने घर ले आया। चलो तुम भी उन्हीं के पास चलो, क्योंकि तुम्हारे घोंसले में तो पानी भर गया। वो दोनों कालू कौवे के घर चले गए। वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके बच्चे सुरक्षित वहाँ पर बैठे हुए हैं। तब टुन्नी चिड़िया को उसके दोनों बच्चे पूछते हैं, माँ तुम कहाँ पर थे, बड़ी देर लगा दी, हमारे घर में तो पानी पानी भर गया। तब अच्छा हुआ कालू मामा का कि ये हमें अपने घर ले आए। तब टुन्नी चिड़िया भी उन शिकारी पक्षियों की बात बताती है और तभी सारे पक्षियों को बुलाकर इस बात की खुशखबरी देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थिति के सामने झुकना नहीं चाहिए, अच्छे से सामना करना चाहिए ताकि हम मुसीबत से बच सकें। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें परिस्थितियों के सामने निडरता से सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये बरसात वाली कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।